फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कंप्यूटर ज्ञान नगौत पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है सेल बाउचर, यानी सेल बाउचर क्या होता है, सेल बाउचर में कितने प्रकार की एंट्री होती है और हम टैली में इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सेल बाउचर। तो यहाँ पहले देखते हैं कि सेल बाउचर होता क्या है। सेल बाउचर का मतलब होता है बिक्रा या बेचना। अर्थात जब हम व्यापार में नगद या उधार माल सेल करते हैं तो इस वाउचर का यूज किया जाता है। अब नगद उधार कैसे होता है इसको एग्जांपल से समझते हैं। और जैसे मान लिए आपने किसी को माल सेल किया और तुरंत पैसा ले लिया, उसे कहते हैं नगद। और आपने किसी को माल सेल किया बट उससे आपकी पहचान है तो आपने कुछ टाइम बाद पैसा लिया, उसे कहते हैं उधार में माल सेल करने से कहते हैं क्रेडिट। इसमें एक नोट भी होती है कि सेल हमेशा शेयर होता है चाहे नगद हो या उधार, क्योंकि सेल करने पर पैसा आएगा, इस कारण से सेल को हमेशा शेयर पे रखा जाता है क्रेडिट पे। अब इसको हम टैली में एंट्री कैसे कर सकते हैं, आइए हम टैली पे आकर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम टैली ऐप नाइन पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम टैली ऐप नाइन पे आ चुके हैं। अब आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर पे जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर पे आके इंटर करते हैं। यहाँ देखिए हमारा सेल वाउचर ओपन हो चुका है जो कि इसमें हमारा एक बिलिंग मोड में खुला हुआ है। इसमें नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी डेट अमाउंट होता है, हमें इसे अकाउंट ओनली मोड में करना है। तो इसके शॉर्टकट की होती है एक कंट्रोल प्लस आपको भी प्रेस करना पड़ेगा, एक कंट्रोल भी, और जिससे आपकी टैली अकाउंट ओनली मोड में हो जाती है। आपको इसमें सी आर डी आर आने लगता है। तो सी आर डी आर आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे हमें उधार सेल की एंट्री करना है तो यहाँ पर देखिए आपके नाम बने हुए हैं, तो आप यहाँ से भी पहले से नाम कर सकते हैं सिलेक्ट। इसके लिए हम जाके अकाउंट इन्फो जैकेट से बना लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे नाम बनाना है तो आप यहाँ पे अल्ट सी करके नाम बना सकते हैं। यहाँ पे हम अल्ट सी करते हैं। जैसे उधार सेल है तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा जाएगा, तो किस पार्टी से हम कर रहे हैं पार्टी से यहाँ पे उसका नाम ले देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सुनील स्टोर, हम सुनील स्टोर से माल खरीद को बेच रहे हैं, तो उसका अंडर हो जाएगा यहाँ पे सेंड्री डेबिटर, क्योंकि हम उधार में माल सेल कर रहे हैं। इसे हम पूरा एक्सेप्ट करा देंगे। और जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा अमाउंट लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अमाउंट की कि हम कितने हज़ार कितने लाख का माल सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट, इसके बाद इंटर करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने सेल किया हुआ है तो यहाँ पे सेल का लेजर नहीं बना हुआ है क्योंकि ये जीएसटी वाला है। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके लिखेंगे सेल, और सेल का अंडर होता है सेल अकाउंट। और चूंकि हमने पहले बताया था कि सेल हमेशा सीआर पे होता है तो यहाँ पे हमने इसका लेजर बना दिया है और इसे हम पूरा करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारी उधार की एंट्री हो चुकी। ऐसे ही आप जितनी भी एंट्री होती है उधार की सेम कर सकते हैं, यानी डी आर पे नाम लिखना है अल्ट सी करके और आपको सी आर पे सेल कर देना है। अब यहाँ पे हम नगद की एंट्री करते हैं तो नगद के लिए सबसे पहले नगद कैश होता है, तो कैश हमारा पहले से बना हुआ है, इसको एक कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट, क्योंकि कैश एकमात्र ऐसा लेजर है जो टैली में पहले से बना होता है। तो यहाँ पे हम इसका हम डाल देते हैं अमाउंट, और सेल बना हुआ है तो कर लेंगे सिलेक्ट और इसे हम इंटर करके पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नगद की एंट्री है वो भी हमारी एंट्री पूरी हो चुकी है। तो ऐसे हम जितने भी सेल की एंट्री होती है नगद हो या उधार हो सेम ऐसे कर सकते हैं। अब इसकी एंट्री हमें देखना है तो इसके करके हम जीओटी में आते हैं और डिस्प्ले और फिर अकाउंट बुक और फिर लेजर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे फिर सेल पे आएंगे, यानी और जितनी भी सेल की एंट्री हुई होगी हमारी सारी एंट्री सेल की दिख जाएंगे। तो सेल पे आते हैं एंटर करके और यहाँ पे इसको अल्ट पी करते हैं, इंटर अल्ट जेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी एंट्री सेल की आ चुकी है, हमने दो ही एंट्री की। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से आप इस सेल बाउचर की एंट्री कर सकते हैं जो कि केवल दो ही होती हैं, एक नगद होती है एक उधार होती है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।